सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना एसपी को बीएमसी ने किया क्वारंटीन। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस की तकरार अब खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार पुलिस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र पुलिस मदद नहीं कर रही है। वहीं अब इस मामले की जांच करने मुंबई आए पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को भी बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन कर दिया है। रविवार को पटना सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके कहा कि आज आईपीएस विनय तिवारी ऑफिशियल ड्यूटी पर पटना पहुंचे, लेकिन रविवार रात 11 बजे बीएमसी अधिकारियों ने जबरन उन्हें क्वारंटीन कर दिया। उन्हें अनुरोध के बावजूद आईपीएस मेस आवास उपलब्ध नहीं कराया गया। वो गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में आए दिन नई कहानी सामने आ रही है। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच जांच को लेकर मतभेद बना हुआ है। इस मामले में सीबीआई जांच की भी लगातार मांग उठ रही है। वहीं मुंबई पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में विनय तिवारी ने कहा था कि हमारी टीम मुंबई में अच्छा काम कर रही है, पिछले एक हफ्तों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बयानों की विश्लेषण के बाद ही नतीजे पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी हमें सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। इधर एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले से जुड़ी अपडेट्स सीएम के साथ शेयर किए। साथ ही बिहार पुलिस की मुंबई में मौजूदगी और सोशल मीडिया पर अफवाह को लेकर जानकारी भी दी। वहीं पटना एसपी विनय तिवारी के मुंबई पहुंचने के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने पहले ही जांच शुरू कर दी थी, भले ही बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज किया हो। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।